जानवर। सपा विधायक इरफान सोलंकी के सब्र का बांध और उनकी उम्मीदें दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उनके जेल से बाहर आने की आस दिख नहीं रही है। मामले को लेकर अब वो पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। वो ऐसे की आज गनी मामले में लगातार बढ़ रही मुकदमों के तारीखों से अब विधायक के वकील और खुद इरफान सोलंकी तृप्त हो चुके हैं। मामले में पिछली 9 तारीखों के बाद भी अब तक इरफान को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। सोमवार को इरफान उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन एक बार फिर से उन्हें झटका लग गया। इरफान के अंदर फैसला आना था, लेकिन माननीय न्यायालय ने यह कहा कि चूंकि आप लोगों ने लिखित बैठ पिछली डेट पे दाखिल की थी, उसको समझने के लिए मुझे थोड़ा समय और उसके वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, इसलिए अब निर्णय के लिए 27 तारीख की नियत की है और 27 तारीख को महाराजगंज जेल से इरफान सोलंकी को और खानपुर जेल से रिजवान और अन्य व्यक्तियों को तलब किया गया है और ये कहा गया कि सभी लोग जो है उपस्थित होकर के उसमें जो है उस दिन उपस्थित रहेंगे, उस दिन निर्णय किया जाएगा। मतलब कि मामले में फिर से कानपुर के MPA MLA कोर्ट से उन्हें अगली तारीख 27 मई दे दी। इसके पीछे कोर्ट ने कुछ कारणों के चलते और चुनाव का हवाला दिया है। आज की सुनवाई में इरफान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। आगजनी मामले में वैसे तो सोमवार को फैसला आने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही थी, जिसको लेकर इरफान के वकील ने पूरी तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन कहते हैं ना, जो होना होगा वो होकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही कुछ हुआ। बता दें कि कानपुर के जाजमऊ में नजीर फातिमा की झोपड़ी में कब्जा करने की मंशा से आग लगने के आरोप में ये केस दर्ज हुआ था, जिसको लेकर सपा विधायक उनके भाई रिजवान समेत 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इसी को लेकर सपा विधायक एक साल से भी ज्यादा समय से महाराजगंज जेल में बंद है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।